टी20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले शौक में डूबा वेस्ट इंडीज, दिग्गज क्रिकेटर का हुआ निधन, टीम पर छाया माता। दोस्तों आइए क्या है पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलने के इरादे से वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, लेकिन कैरी बैग टीम वहां अपने मिशन की शुरुआत करे उससे पहले एक बुरी खबर के चलते पूरे वेस्ट इंडीज में शौक की लहर है। दरअसल वेस्ट इंडीज के एक पूर्व बल्लेबाज ब्रूस पायरेड्यू का निधन हो गया है। वो 91 साल के थे। इस बात की जानकारी क्रिकेट वेस्ट इंडीज की ओर से दी गई। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली। ये टी20 सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। इसी बीच 13 अक्टूबर की सुबह वेस्ट इंडीज टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। 14 अप्रैल 1931 को ब्रिटिश गुआना में जन्मे ब्रूस प्राउडो की 91 साल की उम्र में देहांत हो गया है। महज 15 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस खिलाड़ी ने अगले सीजन में भारत के खिलाफ अपना पहला शतक ठोका था। यह बात साल 1953 की है, जब भारत वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट मैच खेला गया था। वहीं ब्रूस पैराडा के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 13 टेस्ट मैच खेले, 21.63 की औसत से 454 रन भी बनाए। टेस्ट में उनके नाम एक शतक है। वहीं ब्रूस पैराडा के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 13 टेस्ट मैच खेले, 21.63 की औसत से 454 रन भी बनाए। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की बेस्ट पारी 115 रन भी भारत के खिलाफ ही खेली। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।